पौराणिक समय सबुठारु बड़ धर्मयुद्ध महाभारतर कथा जेतेबेले भी आमे कहिथाउ सेतेबेले चक्रव्यूहर कथा आपे आपे आम मन भितरकु आसी जाए। सही युद्धर नीति रे फसी सुभद्रा एवं अर्जुनंकर पुत्र अभिमन्यु मृत्युबरण करिथिले। एकथा कुहा जाए कि युद्धर एही बिहकु भेद करिवार कला कौरव पांडव मानकर गुरु द्रोणाचार्य भगवान श्रीकृष्णक व्यतीत केवल अर्जुन ही जानिथिले। एकथा मध्य कुहा जाए अर्जुन तांकर पत्नी सुभद्रांकु चक्रव्यूह भेद करिवार कला संपर्करे कहुथिले। आउ सेतेबेले सुभद्रांक गर्भरे अभिमन्यु थिले। गर्भरे थाई अभिमन्यु चक्रव्यूह को भेद करिवार कला सिखि जाइथिले। किंतु अर्जुनंकर कथा शुणु शुणु सुभद्रांकु निद आसीगला। एहा परे अभिमन्यु छ गोटी द्वार को भांगिवार कला तो सिखिगले, किंतु हाँ सप्तम द्वार को भांगिवार रहस्य एक रहस्य हेई तांक पई रहिगला। ताले आसंतु जानिबा चक्रव्यूह कौन थिला एवं एहाकु भेद करिवार रहस्य कौन थिला। नमस्कार दर्शक बंधु, आज रही वीडियो को आपण मानको स्वागत करूछि मु अनी शतपथी। दर्शक बंधु वीडियो टिकु आरंभ करिबा पूर्वरु आपण समस्तंकु अनुरोध करूछि यदि आपण माने ए पर्यंत आमर चैनल को सब्सक्राइब करिनहती ताले निश्चित भाबरे सब्सक्राइब करि दियंतु। एहा सहित नोटिफिकेशन पई ऑल बटन को हिट करि दियंतु एवं कमेंट सेक्शन ने जय श्री कृष्ण निश्चय लिखंतु। दर्शक बंधु पौराणिक समय रे युद्ध रे शत्रु मानक उपरे निजर विजय को सुनिश्चित करिबा पई सेना माने सर्प गरुड़ भली बिह मान रचना करुथिले, जोंथिरे सबुठारु अधिक घातक चक्रव्यूह थिला। एकथा मध्य कुहा जाय कि सेही समय रे चक्रव्यूह युद्धर एभली एक रणनीति थिला जोंथिरे बड़रु बड़ योद्धा माने मृत्यु बरण करुथिले। एही चक्रव्यूह रे हजार हजार सैनिक मानकु व्यवहार करा जाउथिला, जहा केते किलोमीटर पर्यंत एभली एक चक्र को रचना करा जाउथिला जहा द्वारा एथिरे प्रवेश करि किए भी सहजरे बाहर को बाहरी पारु नथिला। एही व्यूहर रचना रे लागिथिबा सैनिक माने सबुबेले तांकर स्थान को बदलाई थांती, जेउं कारणरु आकाशरु देखिले एहा बुलुथिबा एक चक्र परि देखा जाइथाय। चक्रव्यूह को देखिबा द्वारा एथिरे भितरकु जिबार रास्ता तो देखा जाइथाय, किंतु बाहरकु बाहरिबार रास्ता देखा जाइ नथाय। गोटिए चक्रव्यूह रे सैनिक मानंकर सात गोटी सुरक्षा पंक्ति रहिथाय, जेउंथिरे सबुठारु प्रथम पंक्तिर सैनिक सबुबेले चारि आडे बुलुथांति। चक्रव्यूह पूर्वरु सुरक्षा पंक्तिरे सैनिक मानकु जगा जाइथाय। जदि कोनोसि योद्धा प्रथम पंक्तिर कौनसी सैनिक को मारिकी भितर को प्रवेश करिथाए ताहाले मृत्युबरण करिथिबा सैनिकर जागा बा स्थान अन्य जने सैनिक नेइथाए। चक्रव्यूहर द्वितीय पंक्ति रे प्रथम पंक्ति तुलनारे अधिक कुशली सैनिक मानंकु जगिबा पई कुहा जाइथाए, कारण सेमाने शत्रु को भितर को जिबा पई दियंति नहि। ठीक सेही परि व्यूहर षष्ठ पंक्ति पर्यंत युद्ध कौशल हिसाब रे सैनिक एवं योद्धा मानंकु जगा जाइथाए। सबुठारु शेष तथा सप्तम पंक्ति रे चक्रव्यूह रचना करुथिबा निजर सबुठारु कुशल एवं बलशाली महारथी मानंकु जगा जाइथाए। एही परि महाभारत युद्धर 13 दिन कौरवर सेनापति गुरु द्रोणाचार्य जेतेबेले पांडव मानंक ठारु विजयी हेबा पई एही चक्रव्यूह रचना करुथिले, सेतेबेले सप्तम पंक्ति रे से निज व्यतीत दुर्योधन दुशासन कर्ण गुरु कृपाचार्य एवं अश्वत्थामांक भळी महारथी मानंकु एहाकु जगाइथिले। सेहि समयरे चक्रव्यूह को सबुठारु घातक रणनीति बोली विश्वास करा जाउथिला, काहिंकि ना जदि कोनोसि योद्धा लगातार भावरे युद्ध करि भितरकु जीव स्वाभाविक भावरे से थकि जीव, जेमिति जेमिति से सुरक्षा पंक्ति को भांगि भांगि भितरकु प्रवेश करिव सेमिति सेमिति ताकु आहुरि अधिक कुशली सैनिक माने सामना करिवे, जहा द्वारा से आहुरी थकी जीव एवं हताश हो उठिव। से समस्तंक ठारु अधिक शक्तिशाली एवं युद्ध कौशल रे अधिक निपुण होइथिबे। शारीरिक एवं मानसिक स्तर रे आदन दुर्बल हेइनथिबा योद्धा गोटिए थर भितरकु प्रवेश करिगले जितिबा बा बाहरकु बाहरिबा ता पई मध्य कठिन होइ जाउथिला। एहा ही कारण थिला कि जेउ योद्धाकु एही चक्रव्यूहकु भेद करिबार कथा पूरा जणा नथाए से सप्तम सुरक्षा पंक्ति पर्यंत जाउ जाउ निजर थकापण कारणरु मृत्युबरण करिथाए। जेतेबेले कौरव पक्षर योद्धा माने अभिमन्युंकर बद्ध करिथिले सेतेबेले से चक्रव्यूहर सप्तम द्वार पाखरे पहुंची जाइथिले।
ଏବଂ ବହୁତ ଥକି ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚକ୍ରବ୍ୟୂହକୁ ଭେଦ କରିବାର ସେହି ରହସ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁସାରେ ଚକ୍ରବ୍ୟୂହକୁ ସେହି ଯୋଦ୍ଧା ଭେଦ କରିପାରିବ ଯିଏ ଯୁଦ୍ଧ ନୀତି ସହିତ ଜଣେ କୁଶଳ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ହୋଇଥିବ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କୁଶଳୀ ଯୋଦ୍ଧା ଏହି ଚକ୍ରବ୍ୟୂହରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ, ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଚକ୍ରବ୍ୟୂହରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଦେଇଥାଏ। ସେ ଏହି କଥାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥାଏ କି ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ରାସ୍ତାରେ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଥାଏ ଏବଂ ଭିତରେ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କର ଘନତ୍ୱ ଅଧିକ ଥାଏ। ଘନତ୍ୱକୁ ସମାନ ବା କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଜରୁରୀ ଅଟେ ବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ କି ବାହାରେ ଥିବା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଚକ୍ରବ୍ୟୂହକୁ ଚଲାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭିତରେ ଥିବା ସୈନିକମାନଙ୍କର ଘନତ୍ୱ କମିଯାଇଥାଏ। ତାହା ସହିତ ଜଣେ କୁଶଳୀ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଏକଥା ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ କି ଗୁରୁଥିବା ଚକ୍ରବ୍ୟୂହରେ ସବୁବେଳେ ଏକ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ବା ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ରହିଥାଏ, ଏହାଦ୍ୱାରା ବାହାରକୁ ସେ ବାହାରି ପାରିଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ମାରି ସେହି ଚକ୍ରବ୍ୟୂହରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଯାଏ। ଏହି କଳିଯୁଗରେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ନିଜର କୌଣସି ମହତ୍ୱ ରଖୁନାହିଁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ଏହି ଚକ୍ରବ୍ୟୂହ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲେଖିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଚକ୍ରବ୍ୟୂହ ଦ୍ୱାରା ଗଠନ କରାଯାଉଥିବା ଏହି ରଣନୀତି କେତେ କଷ୍ଟକର ଅଟେ ଏବଂ କେତେ କଠିନ ଅଟେ? ଧନ୍ୟବାଦ।